किसानों के साथ किया आलू व्यापारी मुकेश सूर्यवंशी ने फ्रॉड। परासिया जनपद के दमू औरैयात ग्राम पंचायत के किसानों का मामला सामने आया। एक रिटायर्ड फौजी सोनू त्रिवेदी ने समाज सेवक जो लगातार लोगों के लिए तत्पर खड़े रहते आए हैं, इन किसानों की भी आवाज़ आज रिटायर्ड फौजी ने उठाया। जो मुकेश सूर्यवंशी नाम का आलू व्यापारी ने कोई कंपनी के नाम पर किसानों को 32 रुपये किलो आलू के हिसाब से बीज दिए थे और उससे अधिक कीमत पर व्यापारी किसानों से आलू ले जाते हैं, परंतु आलू व्यापारी ने किसानों को बेवकूफ़ बनाकर 8 रुपये किलो के हिसाब से खरीदी कह रहा है, जिसे किसानों ने उस व्यापारी का विरोध किया और उमरेड थाना प्रभारी को शिकायत बताई। संवाददाता धीरेंद्र सिंह छिंदवाड़ा की रिपोर्ट। काशीवंशी लाल मंडी दमोरिया से हूँ। क्या मामला है आलू का? आलू का मामला यह है कि हमको मुरली सूर्यवंशी ने आलू दिया था कंपनी का बोलकर, और ख़रीदने के लिए बोला था 30 रुपए किलो से ख़रीदूंगा मैं। हमने ले लिए, लगाए, लगाने के बाद में कई आलू मारा उसका, ख़राब भी हुआ बीज, उसके बाद में हम सहते चले गए। उसने 18 रुपए के हिसाब से लेते चले गए, आज 9 रुपए किलो से ले रहा है और आज बोल रहा है कि मैं नहीं लूँगा, कुछ नहीं करेंगे। और हमने ब्याज से पैसे लाए, कर्जा करे, उस 6.5 लाख रुपये का आलू लिया उससे, और पैसे नहीं निकल पा रहा है, बहुत मुसीबत हमारी। कहीं शिकायत कर रहे हो आप लोग इसकी? हम पत्रकार जी महोदय जी से शिकायत कर रहे हैं। दंत कांति से हमने करोड़ों